हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम लोग आए अल शलाल थीम पार्क। तो सबसे पहले तो अपनी बाइक को पार्क कर दिया और अब चलते हैं टिकट लेने। ये पार्किंग सामने ही है, अंडरग्राउंड पार्किंग पार्क के। और सबसे पहले हम लोगों को टिकट लेना है। यहाँ पे एंट्री टिकट अलग है और फिर उसके बाद अंदर जाने के बाद है ना, सब चीज़ों की टिकट्स अलग है। काफ़ी बड़ा है ये, यहाँ पे पूरा प्राइस लिस्ट दिया हुआ है कि सब क्या क्या है, और बैंड भी है जो अंदर मिलेगा। ये सिर्फ एंट्री टिकट है जो फॉर 1 पर्सन 35 रियाल है। तो ये एंट्री करते हैं। ये मैंने टिकट्स ले ली, मैंने एक्चुअली टिकट छोड़ दी थी, रिसिप्ट ले ली थी, फिर मुझे वापस जाना पड़ा टिकट लेने। और तो एंट्री करते हैं, ले लिया, अब एंट्री करते हैं। अंदर जाते ही कस्टमर सर्विस पे अपना सामान रखना है और टिकट्स लेना है या बैंड लेना है, या बाद में भी ले सकते हैं। तो हम लोग ने पहले अपना सामान रख दिया यहाँ पे। बस अपना आउटफिट बताते हुए सबको, अंदर आइस स्केटिंग का सेक्शन था। टिकट वालों ने बोला कि राइड से पहले भी आप ले सकते हो टिकट, तो हम लोग ने नहीं लिया टिकट, बस सामान रख दिया। यहाँ खाने पीने के सेक्शन थे, एक्सप्लोर कर रहे थे और क्या क्या है अंदर। तो ये बैस्किन और रॉबिन भी था, पर बाद में आते हैं यहाँ पे, पहले अपनी राइड स्टार्ट करते हैं। और बहुत क्यूट क्यूट छोटे छोटे स्टफ भी थे। ये कैप थी क्योंकि अंदर ठंडी काफ़ी थी, आइस स्केटिंग की वजह से और भी ज़्यादा ठंड लग रही थी। बाद में मैं आपको बताती हूँ कितनी ठंडी लगी है मुझे। और यहाँ चलते हुए यहाँ पे कॉमेडी क्लब भी था, मतलब अंदर ही बहुत कुछ, इंडोर ही बहुत कुछ था। शॉपिंग के लिए भी बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें थी वहाँ पे, और चाइना के भी कुछ प्रोडक्ट्स थे, मैंने बाद में देखी, ग्लव्स एंड ऑल, वो सब भी वहाँ पे मिल रहा था। कैंडी फ्लॉस, मतलब कंप्लीट थीम पार्क था, मतलब बहुत अच्छा था, फेरी लैंड टाइप था। और पिज़्ज़ा विज़्ज़ा सब था यहाँ पे। तो यहाँ से अंदर ही हम लोगों को फिर आउटडोर आना है, पहले इंडोर आना है, फिर दूसरे गेट से हम लोगों को आउटडोर जाना है। जब जाते ही बहुत बड़ा सा राइड वाला सेक्शन है, और यहाँ पे मुझे दिख गया ये अपना आलू स्पेशल, अब जो अपने यहाँ मिलता है। और ये बोटिंग का सेक्शन था, और सब राइड्स एंड ऑल सब यहाँ पे ही थे मोस्टली, जो बड़े बड़े राइड्स होते हैं। फोटोग्राफी और वीडियोज़ के लिए इतने अच्छे अच्छे यहाँ पे स्पॉट्स थे, आप ले सकते हो। और यहाँ पे है ना, हम लोगों ने हैंड बैंड ले लिया, और ये बैंड का मतलब था कुछ राइड्स में जैसे फॉल्स, स्लिंग शॉट, आप अनलिमिटेड टाइम बैठ सकते हो, बट सब इंक्लूडेड नहीं था इसमें, जैसे कि बोट राइडिंग, गंडोला, उसके लिए आपको अलग पैसे पे करना था। तो ये अगर आपको एक एक राइड पे बहुत टाइम बाद बैठना है तो ये आपके लिए यूज़फुल है, वरना नहीं यूज़फुल है। 75 रियाल्स का फॉर 1 पर्सन है ये। और फरजान सबसे पहले सुपर शॉट से स्टार्ट किया, मैं नहीं बैठ पाई, मैं लाइन में खड़ी थी, पर मेरी हिम्मत नहीं हुई एक्चुअली। और लोग तो थे नहीं दूसरे टाइम पे, मतलब वेट कर रहे थे, पर फरजान से वेट नहीं हो रहा था, वो बैठ गया अकेले ही हिम्मत के साथ। और ये होगा 12 से 13 माले की बिल्डिंग, कितना लंबा होगा, बहुत हाइट थी इसकी। इतने खुशी खुशी जा रहा है ना, इसका रिएक्शन बताऊंगी जब नीचे उतरा था। और ये बहुत ज़्यादा था, ऊपर से फॉल भी बहुत फास्ट फॉल हो रहा था, भाई मेरे में इतनी हिम्मत नहीं थी, मैं नहीं कर सकती थी ये। इतना टाइम लगा ना मुझे वीडियो रिकॉर्ड करने में भी, क्योंकि इतना टाइम लग रहा था इसको, स्लोली स्लोली ऊपर जा रहा था, मेरे हाथ दुख गए, मुझे ऊपर एकदम अपना हाथ करना पड़ा था कि इसको रिकॉर्ड कर सकूं। आप देख सकते हो ये इतना ऊपर जा रहा था कि मेरे वीडियो में ये एकदम छोटा दिख रहा था। मैंने आईफोन से रिकॉर्ड की, और मैं ट्राई कर रही थी इसे एक्सपांड करके भी करूँ, तब भी ये पूरी तरह आने रहा था, ये इतना हाइट था, और इतने फास्ट गिरा। आप रिएक्शन देख सकते हो, बाइसेप्स दिखाते हुए ऊपर जा रहा था। बहुत मज़ा आया, पर इस पर वापस बैठना था इसे, पर मैंने अलाउ नहीं किया क्योंकि बहुत सारे राइड्स थे, हमें सब पे बैठना था। इसके बाद हम लोग थोड़ा फ़ोटो वोटोज़ क्लिक किए, और उसके बाद है ना, ऊपर वायर देख रहे हो ना, केबल वायर, वो उस पर अभी बताऊँगी, मैंने बाद में बैठे थे, मैं पूछ रही थी कैसा फील हुआ, कैसा लगा, क्या मज़ा आया, वो बहुत मज़ा आया उसको। और फिर उसके बाद उसके पास में ये है, इसमें मैं भी बैठी थी, ये भी काफ़ी अच्छा है, और बहुत मज़ा आया था। स्लोली स्लोली स्टार्ट होता है और बहुत फास्ट हो जाता है, और अच्छा था ये वाला, पर ज़्यादा स्कैरी नहीं था, पर मज़ा आया इसमें। और ये लड़की तो मोबाइल भी यूज़ कर रही थी, मैं जब बैठी तो मैंने मोबाइल यूज़ नहीं की, मुझे डर लग रहा था मेरा मोबाइल उड़ ना जाए। जैसे केबल वायर में गंडोला में जब मैं बैठी थी, मैं इतना कॉन्फिडेंटली गई थी ना अपना मोबाइल लेके, मैं सब रिकॉर्ड करूँगी, पर स्टार्ट होते ही मैंने वो जो हैंडल कर रहा था उसको बोली प्लीज़ मेरा मोबाइल पकड़ लो, क्योंकि मैं गिर जाता मोबाइल और मोबाइल चूरा चूरा हो जाता, वो इतना हाइट पे था गंडोला राइड्स। तो ये करने के बाद हम लोग बहुत देर वेट कर रहे थे, ये था स्लिंग शॉट था,
इसमें मिनिमम 2 persons रिक्वायर थे, तो ये फाइनली एक भाई साहब राजी हो गए, ये बैठ गए। फरजान को इस पर बैठना था, इतने हाइट पे था ये। नो सेल फोन बोल रहा है, वो कार्टून को इंटरेस्ट भी नहीं था उसे रिकॉर्ड करने में मेरा, पर ठीक है कोई बात नहीं। तो ये स्लिंग शॉट स्टार्ट हुआ, इतना मुझे तो बहुत डर लग रहा था, ये भी काफ़ी हाइट पे था, ऊपर जाके रोल होता है ये, बहुत स्कैरी था, मैं ये भी नहीं कर सकती थी, मुझे डर लगता है इस पर भी तो। पर देखो आप, पर दूसरी लड़कियाँ कर रही थी यार, और बुरके पहन के कर रही थी, मतलब हिम्मत है सीरियसली। मुझे तो लगे मैं बुरका पहन के करूँ, अबाया पहन के मुझे तो डर लगे कि मेरा अबाया ना अटक जाए कहीं पे, पर कर रही थी लड़कियाँ। और ये फरजान को भी इस पर काफ़ी मज़ा आया, देखो कैसा टर्न होता है, इतने हाइट पे होता है ना। उसके बाद उसको बहुत मज़ा आया, उसे शायद वापस बैठना था, पर हमारे पास बैंड था तो हम लोग बैठ सकते थे वापस, और मैं फिर इस पर नहीं बैठ पाई क्योंकि मुझे डर लग रहा था। तो उसके बाद बहुत मज़ा आया फरजान को स्लिंग शॉट पर बैठ के। उसके बाद मैं अपना काम करते हुए इसे पूछते हुए कैसा फील हुआ, कितना मज़ा आया, और ये बोल रहा था उसे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, स्कैरी था। जो अरबी वाले भाई साहब थे वो तो घबरा चुके थे, पर फरजान को बहुत मज़ा आया। और फिर उसके बाद थोड़ी फोटोग्राफी की, उसके बाद मैंने कुछ ऐसे राइड देखा जो मैं इजीली बैठ सकूँ, जो ज़्यादा स्कैरी ना हो, ज़्यादा बड़े ना हो। तो हम लोग फिर उसके बाद शिप पे गए, शिप भी बहुत मज़ा आ रहा था उस पर भी बैठ के। यहाँ थोड़ी फ़ोटोज़ लिए और फिर शिप पे चले गए। खाली था वैसे, हम लोग जो टाइम पे गए थे ना वो टाइम बहुत परफेक्ट था, बहुत खाली था, कुछ लाइन वाइन लगाना नहीं पड़ा। देख सकते हो ये शिप पे बैठने गए, समझ नहीं आ रहा था हम लोगों को लास्ट में बैठना चाहिए या मिडल में। मुझे लगा मिडल लास्ट में बैठते तो ज़्यादा मज़ा आता, ये भी काफ़ी ऊपर तक जाता है। इस पर हम लोग आप अपोजिट एक दूसरे के बैठ गए, बहुत मज़ा आ रहा था इस पर भी। अभी भी मुझे वीडियो में रिकॉर्ड करते टाइम जब मैं देख रही हूँ तो मेरा दिल हो रहा है वापस जाने। सब अच्छे से मैंने रिकॉर्ड कर लिया, और जब ये ऊपर गई ना शिप तो मैंने वो भी रिकॉर्ड कर लिया। इसके बाहर बहुत बड़ी सी थी तो वो भी मैंने थोड़ा सा रिकॉर्ड किया, पता नहीं आई कि नहीं आई। फरजान इंजॉय करते हुए, वो मुझसे मेरा फ़ोन मांग रहा था कि मुझे भी रिकॉर्ड करे, पर मुझे देने में डर लग रहा था कि बहुत फास्ट हो रहा था, मेरा फ़ोन गिर सकता था। वो मुझे बता रहा था वो बाहर वहाँ बीच है, वो दिखा रहा था ये पूरा थीम पार्क। ये नीचे बोटिंग हो रही थी, ये मैं अपने आप को रिकॉर्ड करते हुए। मुझे ठंडी लग रही थी एक्चुअली, तो मैंने अपनी बाइक की जैकेट नहीं निकाली, मुझे बहुत ठंडी लग रही थी। फिर उसके बाद फरजान रोलर कोस्टर पे गया, और उसे बैठना था रोलर कोस्टर पे। यहाँ पे स्मोकिंग एरिया, वॉशरूम एरिया भी है, और खाने पीने की चीज़ें भी थी, और शॉपिंग के लिए भी बाहर भी बनाया हुआ था। ये तो अभी फ़िलहाल यहाँ गया है, पर ये एग्ज़िट का सेक्शन था, फिर ये एंट्री के सेक्शन पे गया। अच्छा था रोलर कोस्टर भी, काफ़ी अच्छा था। फरजान को सबसे आगे वाली सीट चाहिए थी, इसलिए वो ये राइड पे दो से तीन बार बैठा जब तक उसको फ्रंट में नहीं मिला। उसके बाद मैं रिकॉर्ड कर रही थी नीचे वाटर सब के, कितना क्लीन है, कितना साफ़ सुथरा सब है, और सब लोग इतने जोश के साथ ये वाली राइड में बैठे थे ना, जितने लोग थे। बाद में सबकी इतनी ज़ोर ज़ोर से आवाज़ आ रही थी, देखो। बाद में फरजान को यहाँ फ्रंट सीट मिल गई थी, ये दोबारा बैठा था। बहुत मज़ा आया इसको यहाँ पे, इसमें भी काफ़ी कम लोग थे, जब पहली बार बैठा था तो काफ़ी ज़्यादा लोग थे, पर जब दोबारा बैठा तो कम लोग थे, क्योंकि हाइट के वजह से यहाँ पे बहुत सारे लोगों को अलाउ नहीं कर रहे थे यहाँ बैठना, काफ़ी ऊपर से ये भी फॉल होता है। मज़ा आया था, मतलब फुल ऑन। थोड़ा सब चीज़ें, टिकट और एंट्री टिकट एक्सपेंसिव है, पर वर्थ है, मतलब जाने में बहुत ज़्यादा आपको मज़ा आएगा अगर आप जाओगे तो। बहुत अच्छा था ये रोलर कोस्टर, मैं लास्ट टाइम रोलर कोस्टर इमेजिका में बैठी थी। देखो काफ़ी बड़ा है,
रोलर कोस्टर के पास ही एक और राइड था, ये भी रोलर कोस्टर टाइप ही था, पर ये पता नहीं कुछ बी बना हुआ था या क्या था, इसमें भी ये भी पर रोलर कोस्टर टाइप ही था। इसमें एक टाइम पे यहाँ 3 लोग बैठ सकते थे पर फरजान अकेले बैठा। ये राउंड राउंड होता है और फॉल होता है, ये भी काफ़ी अच्छा था। ये भी मैं भी बैठने वाली थी इस पर, ये बहुत एक्साइटिंग तो लग रहा था। ये रोलर कोस्टर के पास ही था। फिर ये मैरी गो राउंड टाइप कुछ था। फरजान को इस पर बैठने का ज़्यादा इंटरेस्ट तो हो नहीं रहा था, पर मैंने इसे बहुत ज़िद की क्योंकि ये कुछ अलग सा था, ऊपर जाने के बाद गोल गोल घूम रहा था, तो मैंने इसे बोली बैठने, पहले ये बैठ गया, मैं रिकॉर्ड कर रही थी और देखो कितना इंटरेस्टिंग है, ऐसा गोल गोल घूमता है। उसके बाद हम लोग ऑक्टोपस में बैठे, काफ़ी क्यूट था ये राइड, बहुत मज़ा आया मुझे बैठ के। और भी एक राइड में बैठे, वो मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई। फिर इंडोर यहाँ पे ना स्पेस स्टेशन बनाया हुआ है, जहाँ पे आपको है ना 3D में और उसमें स्पेस की मूवीज़ दिखाते हैं जिसके टिकट रेट्स अलग हैं। उसके बाद यहाँ पे बोटिंग है, फिर ये डैशिंग कार टाइप था, और फिर यहाँ पे हमने बहुत सारे जॉम्बीज़ को मारे, इसकी भी टिकट एक्स्ट्रा है। हम लोगों ने बहुत सारे जॉम्बीज़ को मारे, मैंने अपने आप को रिकॉर्ड नहीं की, मैं बहुत फ़नी लग रही थी, बहुत चिल्ला रही थी मैं बहुत, क्योंकि जॉम्बी मेरे पूरे चारों तरफ खड़े हो गए थे और एकदम रियल लग रहा था। फिर हम लोग म्यूज़ियम गए, सिल्क का म्यूज़ियम था, ज़्यादा कुछ रिकॉर्ड नहीं की, वो चाइनीज़ म्यूज़ियम था। उसके बाद ये बच्चों की राइड थी पर मुझे बैठना था प्लेन में, तो हम लोग बैठ गए प्लेन में, मज़ा आ रहा था, सिर्फ छोटे छोटे बच्चे बैठे थे इस पर, तो मैं और फरजान भी बैठ गए, हम सिर्फ 2 ही एडल्ट थे, बाकी सब बच्चे थे इस पर मज़ा आ रहा था, मुझे सब इंजॉय करना था इसलिए मैं बैठ गई। फिर हम आइस स्केटिंग पे आए, आइस स्केटिंग से पहले हम लोग अमेजोन जंगल गए थे, तो बहुत ठंड लग रही थी मुझे, फरजान ही प्रैक्टिस करते हुए, इसने ही किया था, मैं नहीं गई थी आइस स्केटिंग करने। ये कुछ अंदर के शॉट्स है, हाँ ये गंडोला राइड मैं रिकॉर्ड करना चाहती थी पर मैं नहीं कर पाई, इतनी ज़्यादा ऊंचाई पे थी ना ये ईगल शॉट्स कि मुझे तो बहुत डर लग रहा था। यहाँ पे मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी जाने के लिए, फरजान को नहीं जाना था क्योंकि यहाँ गीले हो जाते हैं, पर मुझे जाना था, पर जो चीख मार के मैं निकली हूँ ना, इतना डर लग रहा था, इतना अंधेरा था, जंगल था और हम दोनों ही थे अंदर और कोई नहीं था, एक गाड़ी थी और ठंडा ठंडा पानी पता नहीं ऊपर नीचे, मतलब बहुत स्कैरी टाइप अंदर बनाया होता, अंधेरा जैसे। उसके बाद फिर ये सब होने के बाद हम हर्फीज़ गए, खाए पिए, बर्गर वर्गर रिकॉर्ड नहीं की, बहुत भूख लगी थी। फिर जाते जाते घर कॉफ़ी शॉप पे रुक गए, अच्छे से एक अच्छी सी कॉफ़ी और डोनट्स खाया, उसके बाद अपने डे को एंड करा। बहुत अच्छा डे था अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत मज़ा आया। प्लीज़ गाइस अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना। ओके बाय।